नमस्कार, मैं हूं सपना दादू। इन दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के आउट होने पर बहुत बड़ा बवाल हो गया। दरअसल कोहली को 44 रन पर अंपायर ने LBW आउट करार दिया और रिव्यू लेने के बाद भी ये साफ नहीं हो रहा था कि विराट कोहली आउट है या फिर नहीं, जिससे कोहली अंपायर के फैसले से नाखुश दिखे और अब लोग इस विवाद को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अंपायर के फैसले को गलत बता रहे हैं। इन सब के बीच पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने अंपायर का सपोर्ट करते हुए एक बयान दिया है। उनका कहना है, अंपायर के पास तो फैसले के लिए बेहद कम समय होता है और हम बार बार रिव्यू देखने के बाद भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अंपायर को गलत कहना ठीक नहीं होगा, उन्होंने अपनी जगह सही फैसला किया। वहीं गंभीर के अलावा पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर और पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने कोहली को अनलकी बताते हुए कहा कि कोहली को गलत आउट किया गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अंपायर का फैसला सही था? क्या आपकी नजरों में भी विराट कोहली आउट थे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें।